मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव सत्ता के लिए नहीं है बल्कि यह यूपी का भाग्य तय करेगा। यूपी का भविष्य कैसा हो इसके लिए भाजपा को वोट करें। अमित शाह मेरठ में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में शहर के तमाम प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया था। अमित शाह ने कहा कि पूर्व की सरकारों व वर्तमान योगी सरकार के कामकाज के अंतर को देखकर वोट कीजिए। वह कैराना गए तो परिवर्तन साफ नजर आया। आज भय का नहीं कानून का राज स्थापित है। अपराधियों के मन में अब कानून का भय है। कैराना कांड के बाद जिन लोगों के चेहरे पर आतंक नजर आता था आज वे खुश हैं। यूपी में कानून का राज है। गुंडे माफिया प्लान कर चुके हैं। माफियाओं की जमीन खाली कराई गई है। अपने संबोधन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इस तरह से की। संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और राज्यसभा की सांसद बहन कांता करदम जी, मेरठ कैंट के प्रत्याशी अमित भाई खड़े हुई है हमारे श्री अमित अग्रवाल जी, मेरठ शहर के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा जी। इससे पूर्व मेरठ कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर अमित शाह का अमित अग्रवाल, कमल दत्त शर्मा व अन्य ने इस तरह स्वागत किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। चुनावी गतिविधियों के साथ ही कोरोना ने भी पांव पसार लिए हैं। ऐसे में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।